सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का पंजाब इस वेले का खास न्यूज़ बुलेटिन वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल गगनदीप सिंह। इस बुलेटिन दे विच हर रोज़ की तरह अच्छ भी चर्चा पंजाब की सियासत तो शुरू करांगे। पंजाब की सियासत च वड्डी तरथली नवजोत सिंह सिद्धू ने पा दित्ती है। नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों सारे मुद्दियां दे विचों बाहर निकलदिआं पंजाब दे विच पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी नूं मजबूत करन दे लई वड्डा कदम चुक्या गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब दे विच ताकतां वंड दित्तियां गईआं ने कार्यकारी प्रधानां दे विचकार। नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल जो कार्यकारी प्रधान लगाए गए सी, नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हां नूं ताकतां दे दित्तियां ने। जी हाँ, माझा मालवा ते दुआबे दे विच वंड के उन्हां नूं ताकतां दे दित्तियां गईआं ने। कुलजीत सिंह नागरा ते पवन गोयल नूं मालवा ते पुआधा इलाका दे दित्ता गया, जिस दे विच ओह अपनी कार्यशैली करके सारे वर्करां अते वलंटियर्स नूं इकट्ठा करनगे। उधर दूजे पासे जेकर दुआबे की गल करिए, दुआबे दे विचों संगत सिंह गिलजियां नूं जिम्मेवारी सौंप दित्ती गई है, ते उधर माझे दे विच सुखविंदर डैनी, बहुत वड्डा नाम ने डैनी, डैनी नूं भी जिम्मेवारी माझे की सौंप दित्ती गई है। माझे तो डैनी आउंदे ने, दुआबे दे विचों गिलजियां आउंदे ने, ते मालवे दे विच वड्डा रसूख रखदे ने कुलजीत सिंह नाकरा ते पवन गोयल, उन्हां नूं जिम्मेवारी इस इलाके की सौंप दित्ती गई है। फतेहगढ़ साहब तो विधायक ने कुलजीत सिंह नागरा जिन्हों ने जिम्मेवारी दे दी गई है। सो इस उत्ते गलबात के लिए पहला सीधा चलांगे सुरिंदर डल्ला होना दे कोल, उस तो बाद पंजाब कांग्रेस के कलेष के उत्ते भी चर्चा करांगे। हरीश रावत पंजाब आ रहे ने थोड़े दिनों दे विच, पंजाब आके हरीश रावत दे वल्लों सारे कलेष नूं मुकाउण दी कोशिश की जाएगी। हरीश रावत दे वल वधण तो पहलां सुरिंदर डल्ला होना दा प्रतिक्रम लवांगे। डल्ला साहब, किस तरह वेख रहे हो जो सारी चर्चा के विचों यह नवीं खबर निकल के आई, नवजोत सिंह सिद्धू के वलों लगातार विरोधियों के दाव पेचों तो बाद एक नवा सरगर्मी भरिया ऐलान कर दिता गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने ताकत वंड दित्तियां ने काम करन दियां, किस तरह वेख रहे हो इसनूं? देखो, बहुत वड्डे फैसले होए ने पोलीटिकल तौर पर पंजाब की सियासत च, इन्हों का बहुत वड्डा असर जाएगा। सुखविंदर डैनी होनी MLA भी ने, राहुल गांधी की टीम चों इन्हों मनिया जाता है और इन्हों भी कार्यकारी प्रधान लाया गया सी, और हुण इन्हों ज़्यादा फोकस है जिहड़ा ये माझे ते करनगे, क्योंकि माझे ते बहुत वड्डी जिहड़ी कांग्रेस अगे चुनौती रहिंदी है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले समयां च माझे ते इन्हां दा दबदबा रहा, नवजोत सिंह सिद्धू होना दा तां जदों तो अटल बिहारी वाजपेई उन्होंने उन्होंने चोन लड़ाई है अमृतसर तो, उस दिन तो ही नवजोत सिंह सिद्धू होना दा तां बहुत हरमन प्यार था उत्थे लोकां च, और हुण सुखविंदर डैनी डब माझे दे विच कांग्रेस दीआं सरगर्मियां इंचार्ज दे तौर दे उत्ते ज़्यादा निभाउणगे, और गिलजियां साहब की ड्यूटी दुआबा च ज़्यादा सरगर्मी नाल रहेगी। हालांकि गिलजियां साहब ने भी कार्यकारी प्रधान तो पूरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के है ही ने, पर वह दुआबे दे विच भी उन्होंने अपनी ज़्यादा सरगर्मी वधाउणी है, और गिलजियां उन्हों का भी अपना चंगा दुआबे दे विच प्रभाव है। और पवन गोयल और कुलजीत नागरा होरी ने जिहड़े, इन्हां बारे भी जिहड़ियां जिम्मेदारियां आईयां ने कि मालवे दे उत्ते ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मालवे दे विच भी गह गच लड़ाई होनी है सियासी तौर पर। मैनू ये लगता है कि मालवे दे विच कितें ना कितें अकाली दल बसपा और आम आदमी पार्टी दे नाल कांग्रेस का BJP का मुकाबला तकड़ा होना सारिआं दा। सो सारिया पोलीटिकल पार्टियां इस वक्त अपनी अपनी रणनीति बना रही ने, और बतौर प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां ने भी लगातार फैसले लै रहे ने, और मैनू ये लगता है कि इन्हां तब्दीलियां दे नाल कांग्रेस का संगठन ज़्यादा प्रभावी तौर पर काम कर पाऊगा। बहुत बहुत धन्यवाद डल्ला साहब इस खबर के उत्ते विस्तार के गलबात करने के लिए। तो हुण वधांगे हरीश रावत होना दे वल, पंजाब दे कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत आने वाले दिनों च पंजाब आउणगे, क्योंकि हरीश रावत दे वल्लों कल बीते दिन ही तड़कसार ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी दे नाल मुलाकात की गई सी, जो पंजाब दे विच बयानबाजियां चल रही ने। जिस तरह पंजाब दे विच कांग्रेस घरेलू कलेष चल रहा, इस घरेलू कलेष नूं मुकाउण दे लई हुण हरीश रावत पंजाब आउणगे। हरीश रावत की ड्यूटी पंजाब दे विच आउण दे लई ला दित्ती गई है हाईकमान दी वल्लों। आने वाले एक या दो दिनों दे विच हरीश रावत पंजाब आउणगे, ते उधर बीते दिन ही मीटिंगां दा दौर शुरू भी कर दिता गया हरीश रावत दे वल्लों। चरणजीत चन्नी दे नाल मुलाकात की गई सी, ते हुण पंजाब आउणगे। इस तों बाद हरीश रावत पंजाब आके वलंटियरां तक पहुँचणगे, वर्करां तक पहुँचणगे, ते उन्हां दे दिल की गल पुछणगे कि आखिरकार वह की चाहुंदे ने। उस तों बाद वह अपने पद्धर दे उत्ते काम करके विखाउणगे। सब ठीक रहेगा, सब सामान्य है स्थिति, और अधिक सामान्य और सब लोग काम पर जुटे हैं उसके लिए वातावरण बनाए। लेकिन रावत साहब, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले जो है चरण सिंह चन्नी ने मुलाकात करी है, क्या पंजाब कांग्रेस का सब
चीजें ठीक हो पाएंगी? अरे मुलाकात करने मंत्री और मंत्री लोग आते हैं, अपने विभाग के काम से भी आते हैं, मुझसे तो मुलाकात नहीं हुई उनकी, लेकिन आते हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। सर पंजाब कब जा रहे हैं आप? मैं शायद 31 को जा रहा हूं। उधर बीते दिन हरियाणा दे विच किसानां ते होए अणमनुखी लाठीचार्ज नूं लैके हर पासे रोस पाया जा रहा। किसानां दे उत्ते अणमनुखी तशद्दुद नूं वेखदिआं हर पासे हरियाणा सरकार ते हरियाणा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शनां दा दौर शुरू होया। बीती शाम जदों ही किसान आगूआं दे वल्लों ऐलान कीता जांदा है कि जिथे जिथे भी हो उत्थे उत्थे ही जाम कर दिता जाए, इस दा प्रभाव इन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते वेखण नूं मिलिआ कि कुछ ही मिंटां दे विच पूरा हरियाणा किसानां दे वल्लों जाम कर दिता गिआ है। किसानों के वलों हरियाणा जाम करदिया पहला ऐलान कर दिता गया सी कि अणमिथे समय के लिए असी यह जाम रखांगे, जदों तक गिरफ्तार किए किसानों नहीं छड्या जांदा उदों तक लिए यह जाम रहेगा, पर उस तो बाद पुलिस ने अपने पद्धर के उत्ते कार्रवाई की सारे किसानों छड्ड दिता। सरकार कितें ना कितें किसानों के इस प्रदर्शन के अगे झुकी है, जो कल का प्रदर्शन से किसानों का, इस दे नाल किसान अंदोलन के नवी ताकत पाई गई है क्योंकि पंजाब तक भी इसका सेक पहुँचा है। जो लाठीचार्ज हरियाणे दे विच होया सी उसका प्रभाव पंजाब दे विच वेखण नूं मिलिया। पंजाब दे विच रोपड़ चंडीगढ़ जो हाईवे आउंदा है उस रोपड़ चंडीगढ़ हाईवे दे उत्ते पैंदे टोल प्लाजे नूं भी जाम कर दिता गया सी किसानां दे वल्लों। सो ये तस्वीरां बहुत खास ने जिन्हां तस्वीरां दे विच हरियाणा च लाठीचार्ज किसानां ते होया प्रभाव पंजाब दे विच वेखण नूं मिलिया है। हालांकि वख-वख सियासी आगूआं दे वल्लों भी इसका विरोध किया गया। राजकुमार वेरका का प्रतिक्रम है, राजकुमार वेरका का कहना है कि जिन्ना मर्जी तशद्दुद सरकार कर लवे पर किसान खेती कानून रद्द करवाए बिना वापस घरां नूं नहीं परतणगे, किसानां दी जित होएगी। यह बयान राजकुमार वेरका ने दिता। पहला राजकुमार वेरका की गल सुणदे आ ते उस तो बाद हरियाणा दे कांग्रेस दे वड्डे आगू ने हुड्डा उन्हां दे वल्लों भी बयान दिता गया, वह बयान भी तुहानूं सुणाउंदे आ। यह बीजेपी वालियो ना अंदोलन दबना ना किसान झुकना, यह बीजेपी दी सरकार नूं झुकना पैना ते इह जिहड़े समझौते आ ये कैंसल होने आ, रद्द होने आ, और जिनी जल्दी अगर तुसी किसानों के बिलों नूं रद्द करोगे उन्ना ही चंगा, नहीं तो 2024 बड़ी लागे आ रही है ते लोग तुहाडे कोलों आटे दादा भा पुछणगे। ये सफल नहीं होंगी, किसान की आवाज़ कभी कुचली नहीं जा सकती। हुड्डा साहब आखिर हल कैसे निकलेगा? सरकार भी हल बातचीत से निकलेगा, हर संवेदना से निकलेगा, हर करुणा से निकलेगा, हर ये बात समझते हुए हल निकलेगा कि किसान अपनी हकों की बात जायज़ मांगे रख सकता है। उनकी बात आप गंभीरता से सुने, तीन कानूनों वापस लें, को नया कानून लाना है तो नया मिल कानून तैयार कराएं जिसमें किसान संगठनों के विचार लें, और सर्वसम्मति से देश के अंदर कृषि प्रणाली में अगर आप कुछ चाहते हैं, लेकिन जब तक ये किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी मैं समझता हूँ कि देश की सरकार जिस अहंकार के रास्ते पर चल रही है उस अहंकार को आने वाले समय में जनता चकनाचूर करने का काम करेगी। पहले भाजपा तय करे। मैं बताता हूँ, किसान भी सच्चा है, मांग भी जायज़ है, और उन्होंने आरोप लगाया चीन और पाकिस्तान से फंडिंग है। मैं बताता हूँ, किसान के घरों से फंडिंग है, एक एक गांव से फंडिंग है, जहाँ से दूध आता है वहाँ की भैंस भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ से खाना आता है उस किसान का खेत भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये भाजपा को इस प्रकार से इस आंदोलन को कलंकित करने से कुछ नहीं मिलेगा। इस आंदोलन की गंभीरता को समझे सरकार, और गंभीरता समझते हुए किसान से बात करके इसको हल निकाले। आज जो करनाल में हमारे अन्नदाताओं पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बार फिर अत्याचार किया गया, उसकी हम कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अन्नदाता के साथ है। कांग्रेस के समय में कभी अन्नदाता के साथ ऐसा छल नहीं हुआ। आज करनाल में जो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, इनका दमन चक्र, उसकी एक और मिसाल देखी गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार, खट्टर सरकार, जिस प्रकार से हमारे किसान मजदूर के साथ ऐसे अत्याचार कर रही है, आने वाले वक्त में हरियाणा वासी इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। आज बड़े शर्म की बात है और सिर शर्म से नीचे झुक जाता है कि ऐसी सरकार आज सत्ता में है जिसने करनाल के अंदर इतनी बर्बरता के साथ जो है किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करा है, और जिस तरह से किसानों को पीटा गया है, जो वीडियो उसके अंदर देखा
तो बड़ा दुख मुझे हुआ कि हमारे कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर आज हमारे किसान भाइयों का ये हाल ये सरकार कर रही है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करती हूँ। तस्वीर पंजाब के उस टोल प्लाजा दिया विखावांगी जिस टोल प्लाजा के उत्ते हरियाणा के लाठीचार्ज का प्रभाव पिया है। जी हाँ, चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे के उत्ते जो टोल प्लाजा पैंदा उस टोल प्लाजे किसानों के वलों रोक दिता गया सी। सोलखियाँ टोल प्लाजा इसनों कहा जाता है, जिस के उत्ते किसान आ गए सी। उस वक्त किसान इत्थे पहुँच गए सी जदों किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी अते बलवीर सिंह राजेवाल वर्गे वड्डे आगू यह बयान देंदे ने कि जिथे हूँ उत्थे ही जाम कर दिता जाए जदों तक सरकार गिरफ़्तार किए किसानों नहीं छड़ती। सो ये तस्वीर उस वक्त दियां ने, उस तो बाद किसान की कुछ कह रहे हैं वो सुनो। इस करके आ जब तक सानू पिछों कॉल नहीं आउंदी धरना जारी रहेगा। जिहड़े भरा खड़े ने उन्होंने मैं अपील करदा, वह 5-10 मिनट जां 1 घंटे खातर परेशान नहीं होना चाहिए। साढ़े 5 साल तो लेके बच्चे मामा भैणा 95 साल की उम्र तक दिल्ली बार्डर से बैठे हैं, 2 डिग्री तो लेके 47 डिग्री तक जिन्होंने तापमान भोगया उन्होंने भी जोड़े राहगीर वीर हैं साडा उन्होंने साथ देना चाहिए। ये सरकार किसी दया नहीं, सरकार यह कोई सरकार हो डंग मार दी। अज मैं तो जरिए दसना चाहना जोड़े पंजाब के पिंडा के जोड़े ये सियासी लोग घूमते हैं अज कितने गए, किसी ने विरोध तो करी? अज किसान बैठा ना ये कहते किसान नहीं, असी ता ही रोपड़ जिले के जिन्हें सियासी आगू हाँ चाहे वह आम पार्टी है चाहे कांग्रेस आ चाहे अकाली आ सब का विरोध करते हैं। मैं गुरदासपुर तो हाँ गुरदासपुर जाना, पर जिहड़ी कार्रवाई हरियाणा की आ मोदी सरकार बीजेपी सरकार ने निंदन योग है। वो वास्ते जे 1 घंटा सानू खड़ोना भी पै जाए तो सानू कोई दिक्कत नहीं है। बेशक असी इतों गुरदासपुर पहुँचना है, पर फिर क्योंकि उन्होंने उत्थे भाईचारे को ठेस पहुँचाने की कोशिश की आ, उन्हें जरा लोगों का जरा किसानों का भाईचारा उत्थे इकट्ठा होया खदेड़ की कोशिश की आ गलत हरकत करके। उदे वास्ते जे सानू 1 घंटा इतने रुकना भी पै जाएगा तो कोई एड्डी वड्डी गल नहीं, क्योंकि किसानों के बिल माफ जिहड़े वापस होने चाहिए आ, वो कैंसल होने चाहिए आ। ये जिहड़े गरीब लोग ने कहिंदे ने इहनूं इत्थे दिक्कत आ रही आ, इत्थे सिर्फ 1 घंटे दिक्कत है, सारी उमर लई रोणगे लोग। जदों 50 रुपये किले उन्हां नूं आटा मिलिया ना सारी उम्र ही रोणगे, 25 रुपये का ब्रैड, 35 रुपये का, 22 रुपये का एसी लाओ पत्ता, 36 रुपये का पेट्रोल डीजल एयरलाइन, 20 रुपये की जी टिकट ये होंगी है ना गुरदासपुर तो अमृतसर की रेलवे की 50 रुपये की, ये की करे लोग? इन लोगों इस चीज़ का नहीं पता लगन रहा कि ये जी मोदी सरकार है हटते एडा बोझ पाँगी है, यहाँ साडा आने वाला जीवन किदा, इनके बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। उधर किसान आगू बलवीर सिंह राजेवाल ने सरकार नूं चेतावनी दे दित्ती है। सीधे तौर दे उत्ते उन्हां किसानां नूं अपील भी की है कि शांति बना के रखो, तुहानूं उकसाउण दी कोशिश हो सकती है ये, पर दूजे पासे उन्हां सरकार नूं चेतावनी दित्ती है कि अजिहे तरीके दे नाल तुसीं साडा ध्यान नहीं भटका सकते। अजिही बयानबाजी जिहड़ी बलवीर सिंह राजेवाल ते सीनियर किसान आगू दे वल्लों की गई है, की कुछ कह रहे ने सुणो। इस वेले सारे हरियाणे दे टोल प्लाजे ते सड़क सारे हरियाणे दीयां सड़कां उत्ते किसानां ने जाम ला दिते हन। जदों तक किसानां नूं वापस उन्हां दे कैंप विच नहीं भेजा जांदा उदों तक इह जाम जारी रहेगा। इस तरह पंजाब विच भी अज जलियांवाले बाग दे उत्ते जिहनूं प्राइवेट हत्थां च दे दित्ता गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं उहदा उद्घाटन करना सी, उहदा विरोध करन गए किसानां उत्ते अमृतसर की पुलिस ने धक्का मुक्की ही नहीं की, अन्ना लाठीचार्ज भी किया, बहुत सारे किसानों नूं गिरफ़्तार करके पुलिस थाने लै गई। इहदी भी जिनी निंदा की जाए थोड़ी है, तो जदों तक किसान उत्थे दे भी पंजाब दे किसान नहीं छड्डे जांदे पुलिस कस्टडी चों, उदों तक उत्थे भी अंदोलन तेज़ रहेगा। किसानों नूं अपील की जाती है कि जदों तक हरियाणे के किसान वापस नहीं आउंदे घरां नूं उदों तक आपो अपने टोल प्लाजे जिहड़े ने उन्हां नूं बंद रख्या जाए, ट्रैफिक जाम किया जाए, दप्पर दा जिहड़ा टोल प्लाजा उन्हूं भी बंद कर दिता जाए। जिथे जिथे भी सड़कां ते किसानां नूं बैठन की लोड़ हैगी उत्थे बैठा जाए, और हरियाणे दीआं सारीआं सड़कां जिहड़ीआं ने भावें हाईवे भावें कोई दूजी रोड हैगी आ उन्हां नूं बंद किया जाए। जदों संयुक्त किसान मोर्चा कोई फैसला लवेगा उस हिसाब नाल अगे गलबात जिहड़ी रणनीति तय की जाएगी। अज दी 16 दी मीटिंग विच साडे नाल सरदार अंकार सिंह जी गौल जो राजेवाल साहब ने, सरदार सतनाम सिंह जी बैरू साहब, सरदार सुवीर सिंह जी सिद्धूपुर बीकेजू सिद्धूपुर, जगबीर सिंह जी चौहान, सरदार बूटा सिंह जी शादीपुर, मार्टर लखविंदर सिंह जी बीकेजू सिरसा, भुपिंदर सिंह जी पनहौड़ा बीकेजू कादियाँ, दास गुरु सिंह बहरामके, कुलदीप सिंह जी वजीरपुर साहब, ये सारे आगू साहबाना ने इस पर तुरंत एमरजेंसी ये मीटिंग सदी हैगी आ भी जो किसानों से एडा वड्डा लाठीचार्ज करके ये सरकार की चाहती है, क्योंकि 600 किसान तो साडा पहले ही इस अंदोलन के शहीदी प्राप्त कर चुका है,
पर यह किसानों नूं जान बुझ के इदां दे लाठीचार्ज करके फटड़ करके सिर दे उपर सट्टा मार के सरकार जिहड़ी है यह बिल्कुल अपने आप नूं पासे कर लवे, नहीं तो आने वाले समय दे विच सिट्टे दे कबीर निकलणगे। उधर आखिरकार पंजाब दी सरकार दे उत्ते सिद्धू दा प्रभाव विखण लग्या। जिस तरह सिद्धू लगातार ट्वीट दर ट्वीट भाषण दर भाषण पंजाब दे कई अजिहे मसलियां दे उत्ते चर्चा कर रहे सी, जिन्हां मसलियां दे विच खास तौर दे उत्ते बिजली दे जो समझौते अकाली भाजपा सरकार दे समय कीते गए सी, उन्हां बिजली समझौतियां नूं अत्तों ज़्यादा महंगे दस्या जा रहा सी ते उन्हां नूं रद्द करवाउण दे लई उन्हां ने कहा सी कि इन्हां नूं रद्द करवाए बिना मैं पिछे नहीं हटांगा। सो हुण पंजाब दी सरकार दे वल्लों एक्शन लिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस 3 मैंबरी कमेटी की रिपोर्ट ते हस्ताक्षर कर दिते ने जिस कमेटी दे वल्लों इस बिजली समझौतियां नूं रद्द करन दे लई सिफारिश की गई है। एक कमेटी बनाई गई सी, इस कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल करन तो बाद ये रिपोर्ट तैयार की सी जिसके उत्ते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हस्ताक्षर हो चुके ने। इस तो बाद हुण उस कंपनी नूं कारण दसो नोटिस जारी होया जिसने ये थर्मल प्लांट लाया। थर्मल प्लांट के उत्ते सब तो पहला जिहड़ी कार्रवाई होएगी वो तलवंडी साबो दे थर्मल प्लांट के उत्ते कार्रवाई होएगी। उस थर्मल प्लांट की कंपनी नूं कारण दसो नोटिस जारी कर दिता गया है कि दसो तुहाडे नाल समझौते क्यों ना रद्द किए जाण। इस नूं लैके वख-वख सियासी प्रतिक्रम वी ने तुहानूं वी सुणा दिंदे। देखो जिवें मीडिया दे विच दस्या जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों बिजली खरीद समझौते रद्द करन नूं प्रवानगी दित्ती गई है, मैं ये समझदा हैगा यह आम आदमी पार्टी की पंजाब के आम लोगों की जित है जिन्हां ने लगातार पिछले 4.5 साल तो सरकार के उत्ते दबाव बनाया होया सी, क्योंकि आम आदमी पार्टी समझती है कि यह जिहड़े बिजली खरीद के समझौते सी यह पंजाब के हितों के विरुद्ध ने जिस दे कारण पंजाब के लोगों की आर्थिक तौर पर लुट हो रही है। हुण जदों चोणां तो 4-5 महीने पहला पंजाब सरकार इन्हां बिजली समझौतियां नूं रद्द करन दी गल आखरी हैगी है, पर लोगों नूं उदों तक भरोसा नहीं हुंदा जदों तक यह बिल सचमुच रद्द नहीं हो जांदे। और आम आदमी पार्टी इस चीज़ की भी मंग करती हैगी है, इन्हां गलत समझौतियां कारण पंजाब दा ते पंजाब दे लोकां दा जो आर्थिक नुकसान होया उहदी भरपाई वास्ते जिन्हां लोगों ने यह समझौते सहीबद्ध कीते सी जो उस दे लई रिस्पोंसिबल सी उन्हां दे विरुद्ध भी जिहड़ी है वह कार्रवाई होनी चाहीदी है। जिहड़े कि अकाली बीजेपी दी सरकार ने कीते सी, 1000 करोड़ रुपए का पंजाब के उपर बोझ पै रहा सी और लोगों नूं भी परेशानियां आ रही सी, और उहदे वास्ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कानूनी मारां दी ते टैक्नीकल अफसरां दी कमेटी बनाई सी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दित्ती है, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार के उपर ये बिजली समझौते सरकार ने रद्द करन दा फैसला कीता है ते उस फाइल के उपर मुख्यमंत्री जी ने साइन करते हैं। हुण बिजली समझौते रद्द होणगे और पंजाब नूं इहदा भारी फायदा होएगा और जिहड़ा पैसा बचेगा असीं लोकां नूं होर भी बिजली सस्ती देण दा अपना इरादा फिर दोहरा रहे। इस खबर के उत्ते सीधा सुरेंद्र डल्ला हुणां दी भी प्रतिक्रिया लवांगे। सुरेंद्र डल्ला साहब, किस तरह वेख रहे हो कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण बिजली समझौते भी रद्द करन दी तैयारी कर चुके ने, कि इस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दा प्रभाव वेख रहे हो जो लगातार बयानबाजियां आ रही सी? देखो बिजली दे उपर जिहड़ा पता लग्या कि पंजाब दी सरकार वल्लों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब उन्हां ने प्रवानगी देती है जिहड़े बिजली समझौते रद्द करन नूं, पावर परचेज एग्रीमेंट। हालांकि मेरी निजी सोच यह है कि जदों अकाली दल ने समझौते किए सी उदों बहुत क्राइसिस सी पंजाब 'च, बिजली का संकट सी। इन्हां समझौतियां तो बाद थर्मल प्लांट लगन तो बाद बिजली का जिहड़ा बिजली पंजाब नूं सूबे नूं वधी, इहदे 'च कोई दो राय नहीं है। पर मैनूं इह लगदा कि अगर अकाली दल वल्लों इह समझौते 25 सालां दी बजाए या वध सालां दी बजाए अगर 10 क साल तक दे कीते जांदे तां ज़्यादा चंगी गल होनी सी, और इस वेले तक उह समझौते अपने आप अपने पद्धर ते ही खत्म हो जाने सी। पर फिर भी हुण पंजाब दी सरकार ने जिहड़ा फैसला कीता, लगातार नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने ट्वीट किए, 18 सूत्री एजेंडे हाई कमांड ने यह प्रोग्राम भेजा सी, और हुण भी नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने ट्वीट भी किया और वह वकालत कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू होनी लगातार कि असी 3 रुपए जिहड़ी बिजली है वह पंजाब के लोगों नूं देना चाहते हैं, 3 रुपए तो लैके 5 रुपए इंडस्ट्रियल जिहड़ी बिजली है वह पंजाब के लोगों नूं मिले। और यह हो सकता, देखो दो चीज़ां ने, डिमांड एंड सप्लाई है। जदों सूबे के खजाने के विच मालिया आएगा कुदरती स्रोतों के चंगे प्रबंध नाल, जदों मालिया आएगा तो निश्चित तौर दे उत्ते फिर एक सरप्लस स्टेट दे पासे पंजाब वधूगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बिजली 3 रुपए बड़ी आसानी दे नाल दित्ती जा सकती है। और जितों तक रही पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द करन दी गल, इहदी डिमांड विरोधी पार्टियां भी करदियां ने, पर नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां दे लई एक बहुत वड्डा मुद्दा सी, और बतौर प्रधान उन्होंने लगातार हाई कमांड तो भी सहमति लई
तीन मैंबरी कमेटी के भी ये गल्लां आईयां और कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भी हुण सिद्धांतक तौर दे उत्ते इहदी प्रवानगी दित्ती है। सो मैनू ये भी आस है कि 3 सितंबर नूं जिहड़ा अगले महीने की 3 तरीक नूं विधानसभा का सैशन होना है, मैनू लगता कि उहदे विच विधानसभा दे विच ये अनाउंसमेंट भी हो सकती है कि असी पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द करन जा रहे हैं। सो मता भी आ सकता है कोई भी किसी विधायक वालों जिहड़ी जिहड़ा विधानसभा का सैशन है उहदे विच। सो कुल मिला के नवजोत सिंह सिद्धू होना दी मैं प्रधानगी च आने तो बाद एक रणनीतिक जित दे तौर पर भी इहनू देखदा। हालांकि ये फैसला तो चलो समूहिक हुंदा पर जदों भी कोई पोलीटिकल पार्टियां दे प्रधान किसी एजेंडे नूं लैके अगे वधदे ने तो फिर कितना कितें उन्हां नूं भी जिहड़ा हैगा इहदी कामयाबी का सिहरा है वह मिलता है। उधर बीते दिनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों जलियांवाले बाग का लोकार्पण किया गया। जी हाँ, जलियांवाले बाग की सुंदरता वधाई गई है। जलियांवाले बाग के विच बीते लंबे समय तो कार्ज चल रही सी तां जो उसकी सुंदरता वधाया जा सके ते इस कार्ज तो बाद हुण सरकार दे वल्लों लोकार्पण कर दिता गया। जलियांवाले बाग का पंजाब अते पूरे मुल्क के लोगों को सौंप दिता गया ते हुण उत्थे जाके आम लोग जलियांवाले बाग के विच जा सकिया करनगे। इस लोकार्पण के प्रोग्राम तो पहला जो वर्चुअल तरीके दे नाल प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर रहे थे तो किसानों के वलों विरोध किया गया, जिसके चलते हाँ हैरीटेज स्ट्रीट जो श्री दरबार साहब नूं जांदी आ उह पुलिस छाउणी दे विच तब्दील कर दित्ती गई सी। जिस तों बाद किसानों ने भी अपना गुस्सा विखाया सरकार के उत्ते अते उन्हां दा कहना सी कि सरकार लगातार अजिहियां गल्लां करदी है जिस दे नाल किसानों नूं उकसाया जा सके। असीं अज अपने वर्करां दे नाल इत्थे जो मोदी सरकार वालों जलियांवाले बाग च उद्घाटन करना सी जो हुण ऑनलाइन कर रहा, लेकिन उन्होंने जो वर्कर ने BJP दे जिस तरह कि हरियाणा सरकार तो खट्टर मुख्यमंत्री दे आउण दे आदेश ही, असीं अपनी यूनियन सारिया जथेबंदियां जिन्नियां भी साडियां किसान जथेबंदियां हन सारिया इत्थे रात तो एकत्र होना शुरू हो गई सन। साडे वर्कर अगे ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असीं भी पिंड तो चल के इत्थे पहुँचे हुए हैं। सानू रस्ते विच किसी प्रशासन ने नहीं रोकिया, बैरीकेड लगे हुए सी, लेकिन असीं बड़े अपने आरामदायक शांतमय तरीके दे नाल इत्थे पहुँचे हाँ। अगे पहुँचांगे अपने वर्करां दे कोल, बिल्कुल BJP सरकार का तिखा विरोध किया जाएगा, बिल्कुल ही उन्होंने कालियां झंडियां ते नारियां दे नाल उन्हां दा विरोध किया जाएगा। उधर संविधान की 85वीं सोध नूं लैके हुण मुलाजम प्रदर्शन के उत्ते ने, मुलाजमां दे वल्लों लगातार प्रदर्शन नूं होर सख्त कर दिता गया। मुलाजमां दा कहना है कि जो संविधान दे विच 85वीं सोध हुई है उस दे विच जो जात पात दे आधार ते उत्ते राखवांकरण किया जाता है उसनों खत्म करके आर्थिकता के आधार के उत्ते जो अजिहे राखवेंकरण की स्थिति को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिकता के आधार के उत्ते अजिहे फैसले किए जाने चाहिए। अज असी राणा KP जी जिहड़े मानयोग स्पीकर ने साडे पंजाब दे उन्हां कोले आया, जिहड़ी पंजाब सरकार 85वीं संविधानक सोध लागू करन जा रही है, असी उहदे विरोध विच सारे मंत्री साहिबानां नूं मैमोरेंडम दित्ते ने, सारे MLA साहब नूं मैमोरेंडम दित्ते ने, उस दी लगातारता दे विच अज असी राणा KP जी नूं भी मैमोरेंडम दित्ता। ते जे सोध दी गल कर रहे हो, इह की हैगा, इहदे विच मुद्दा की है, की नुकसान हैगा तुहाडा जी? सर जेकर 85वीं सोध लागू कर दिंदी है सरकार ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਿਓਰਟੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਤੇ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ MN ਨਾਗਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ PP ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।
पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, धन गुरु रामदास जी, बड़ा वड्डा आसरा तुसीं लिया गुरु नानक साहब जी का, जिहड़ी तुहाडी कीती कमाई जो तुसीं सेवा कीती सी लगातार। मैं समझदी बाकी सेवावां ते तुसीं अंत दियां कीतियां, जिथे बिल्डिंगां बनाईआं, इमारतां बनाईआं, हस्पताल बनाए, पर जिहड़ी मानवता की सेवा उस समय की है जिस वेले मानवता दे उत्ते बड़ा वड्डा संकट आया, भावें उह कोविड का समा आया, भावें कोई किसान मोर्चे विच किसानां दी मुसीबत का समा आया, जो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सारी ने, सिरसा साहब, कालका साहब ते सारे मैंबरां ने रल के बड़ी वड्डी जतन करके वह की सी, उहदा इह फलसफा मैं समझदी मानवता की भलाई विचों इह सारी जित निकली है। यह मनुखता की जो सेवा की उहदी बख्शिश गुरु ने दित्ती है कि इहो जिहे योग व्यक्ति जिहड़े है वह अगे लगन। कोई देश अंदर ऐसी इलैक्शन नहीं हुई, पोलिंग नंबर एक तो लैके जिन्ने भी पोलिंग बूथ होंगे वो नंबर होंगे, बीबी जी मेरा कल ही वार्ड आ जिद एक नंबर पोलिंग स्टेशन नहीं है, क्यों? इलैक्शन तो नॉमीनेशन तो एक दिन पहला मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डीलिमिटेशन करके तो नवे एरिया जिथे उन्होंने खुद नकली वोटा बना रखी उस एरिए पा के मेरा बूथ ही हटाता और मेरी वार्ड दो नंबर तो शुरू होंगी है। तुम सुन के हैरान हो गए, जेडे पोलिंग अफसर से उन्होंने हिदायत दी गई सी जेड़े जेड़े बूथा से साड़िया वोटा सी भी जो वोटर पाँव आए उन्हें कुछ अगे मोर लानी आ। कभी नहीं हो सकता कि एक बूथ चो केवल एक बूथ चो जित 460 वोटा पईआं 418 वोटा रद्द कर दी गई, 418 वोटा रद्द कर दी, 460 चो 418 वोटा, क्योंकि सारे का सारा बूथ वो बाल्टी का सी। साढ़े एक बूथ चो सेड़ा साढ़े कैंडिडेट हारे ने 250 वोटा रद्द कीतियां ने और 51 किनिया 255 वोटा साढ़े औलख साहब दियां 255 वोटा रद्द कीतियां ने और 51 वोटा तैयार है। ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਧਰੂਵ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਨੈਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਤਣਯੋਗ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਦਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਕਲੱਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਨਸੈਪਟ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।